हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट? तो पब्लिक आती है, डर जाती है, राइट? तो बहुत सारे बच्चे लोग इसको स्किप करते हैं, जबकि ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं, एकदम इजी टॉपिक है। तो अच्छे से तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ, स्टेटमेंट भी याद कराता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ा दिया है और तुम्हारा एग्जाम भी आ रहा है और तुमको सब चीज़ चाहिए, तो हो जाएगा, ठीक है? तो आ जाओ। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, जो कंपनी होती है ना उसका बनाना पड़ता है, ठीक है? तो ये तुमको याद करना है, चीट लेके जाना है एग्जाम में, दिमाग में, नॉट ऑन फिजिकली चीट नहीं लगाना है, ओके? दिमाग में तो आपको याद करना पड़ेगा ना किसमें क्या आता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वन नंबर दे दिया, राइट? इसमें सेल्स आता है, क्या आता है? और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। अदर इनकम मतलब जो बिजनेस के पास इनकम आया, छोटा मोटा, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल ऑफ एसेट्स, उसमें प्रॉफिट हुआ, तो ये बैंक, ये कंपनी का क्या होगा, इनकम हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे दो नंबर। फिर ये कंपनी का खर्चा है, सबसे पहले क्या है, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये तुम्हारा थोड़ा दिमाग खाएगा, मैं तुमको आसान कर दूंगा, राइट? दिमाग की दही नहीं होने दूंगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज को चार नंबर दे दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट, तो अभी सब पे डिस्कशन करने वाला हूँ। फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस है, फिर ए और बी लिखा है, टैक्स है। चलो आ जाओ, तो एंट्री लिखते लिखते एक एक चीज समझाता हूँ और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके? तो सबसे पहले मेन हीरो क्या दिया है, सेल्स दिया है, क्या दिया है, सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना दिया, 50 लाख। तो सेल्स किसमें आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसमें आएगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट कितना आएगा, 50 लाख, कितना आ जाएगा, 50। अगर सेल्स रिटर्न रहता तो माइनस करते, तो डायरेक्ट आप सेल्स में कितना लिखेंगे, 50 लाख, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यह डिस्काउंट रिसीव, रिसीव का मतलब होता है इनकम, क्या होता है, तो अदर इनकम में आएगा, सेल्स ऊपर आएगा, इधर अदर इनकम आएगा, तो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इधर आएगा ना यार, इधर लिख दिया आपने डिस्काउंट रिसीव, क्या लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव। तो कितना डिस्काउंट आया, 10,000, कितना आ गया, 10,000, तो यहाँ 10,000 लिख दिया, राइट? तो आपको क्या करना है, फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको ऐसे टैली मार देंगे, ये अमाउंट वन है, वन नंबर पे आएगा 50 लाख, कितना आ जाएगा, 50 लाख। फिर अदर इनकम में अकेला है और कुछ नहीं दिया है, तो ये 10,000 किधर आएगा, दो नंबर पे आएगा, 10,000 किधर आएगा, 10,000। तो मतलब इनकम में इतना ही दिया है, जब इसको ऐड कर लेंगे तो 50,10,000 आया, 50,10,000 वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू मतलब कमाई, इनकम। अभी अपने को खर्चा ढूंढना है और खर्चे में देखो कितनी सारी फैमिली है, एक एक को सॉल्व करूंगा, एक एक एंट्री इधर आएगा। तो मैं सबसे पहले सोचा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सॉल्व करूँ, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सॉल्व करने से पहले फॉर्मेट याद करा देता हूँ। तो स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ याद रखो रॉ मटेरियल आएगा, क्या आएगा, फिनिश गुड्स चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा, इधर रॉ मटेरियल आएगा, इधर फिनिश गुड्स, इधर आलू आएगा, इधर वड़ा पाव आएगा, ओके? तो ऐसा लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, फिर परचेस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होएगा, फिर कैरेज इन्वेंट रहेगा तो ऐड करेंगे, कैरेज इन्वेंट रहेगा तो मतलब माल खरीदने का खर्चा ऐड होएगा, और क्लोथिंग स्टॉक रहेगा तो माइनस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक रहेगा तो किसका क्लोथिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, तो इसका अमाउंट जो बाहर आएगा वो यहाँ आएगा ना तीन नंबर पे। तो कैसे, अभी चिल्ला इसके लिए रहो क्योंकि बाकी के भी बच्चे पढ़ रहे ना यार, तो आपका आवाज़ नहीं आएगा इसके लिए। चलो आ जाओ, इधर देखो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया है, इधर डिस्काउंट अलाउ भी दिया, तो ये अलाउ को बाद में करता हूँ, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं थर्ड नंबर वाला सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ओके? वापस से ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना है, 1 लाख, कितना है, तो ये आएगा ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 1 लाख, ओके? बट इसके बाद क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स भी दिया है, तो फिनिश गुड्स आप नीचे लिखेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज का लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या लिखेंगे, फिनिश मतलब रेडी, वड़ा पाव तैयार कर दिया, 1.5 लाख, कितना आएगा, 1.5 लाख, ओके? अब उसके बाद क्या दिया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कैरेज इनवर्ड, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगा, किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख का मटेरियल खरीदा हम लोग ने, ओके, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड, क्या दिया है, 25,000, वो भी इधर आएगा, मटेरियल लाने का खर्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या दिया है, याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लोथिंग स्टॉक माइनस होएगा, तो क्लोथिंग स्टॉक कितना दिया है, रॉ मटेरियल का 1.5 लाख, तो क्लोथिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे, ओके? और इधर देखो और एक क्लोथिंग स्टॉक दिया, किसका दिया है, फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स का किधर आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री, इधर रॉ मटेरियल आएगा, इधर फिनिश गुड्स आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स कितना दिया है, 80,000, ओके? अभी इसको सॉल्व करके कैसे करना है तुम्हारा आंसर डाल दूंगा, राइट? तो ये सबको पहले ऐड करेंगे, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख हो जाएगा, और 6 लाख में 25 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने को मिलेगा 6,25,000, कितना मिलेगा, उसमें से क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4,75,000, कितना है,
तो ये किसका अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना कितने रुपए का मटेरियल खरीदा, तो ये 4,75,000 तीन नंबर में आएगा, तीन बोलेगा तो ये होगा ना यार तुम्हारा, तो इधर लिखेंगे 4,75,000। ऐसा ये शेड्यूल्स होता है, नोट्स होता है, इधर सॉल्व करके इधर ट्रांसफर करने का। चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या रखेंगे, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, तो 1,50,000 में तो 80 माइनस किया तो 70,000 आ गया, तो ये 70,000 किधर आएगा, चार नंबर बोलो तो इन्वेंट्रीज ना, तो इधर डाल दिया 70,000। अगर ये माइनस में आता तो आंसर इधर माइनस में लिखते, ब्रैकेट में किस में लिखते, माइनस में लिखते, किस में लिखते, माइनस में लिखते। अभी नेक्स्ट क्या दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो नाम से ही मालूम पड़ता है एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, लाडू मिलता है क्या, नहीं, सैलरी वेजेस बोनस वो इधर आएगा ना यार, इधर देखो दिया है सैलरी बोनस स्टाफ वेलफेयर वो इधर आएगा ना एम्प्लॉय बेनिफिट में, तो मैं एक एक रीड करके अमाउंट डाल देता हूँ। तो इधर क्या दिया है मालूम है क्या, बोनस सैलरी कितना मिला, 2,00,000, दे लिखेंगे सैलरी 2,00,000, आफ्टर दैट बोनस टू स्टाफ, तो बोनस भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड है, तो यही हेडिंग में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, बोनस टू स्टाफ कितना मिला है 60,000। ओके, उसके बाद क्या मिला है, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ का मतलब होता है एम्प्लॉय ना यार, तो एम्प्लॉय के रिलेटेड कंपनी ने क्या किया है, खर्चा किया, क्या किया है, खर्चा किया है, तो कितना खर्चा किया है 10,000, इधर लिख दिया राइट। अभी सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 2,70,000 आ जाएगा, कितना जाएगा 2,70,000, तो ये टोटल इधर लिखा 2,70,000, ये किधर आएगा, पांच नंबर पे आएगा ना, पांच नंबर में हेडिंग क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय 2,70,000, सो सिंपल। तो अभी जब तीन समझ गया तो चौथा क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट, तो ये देखो क्वेश्चन में इधर दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15,000, तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना हजार दिया है, 15,000, 15,000, ये अकेला है तो अकेला उठा के किधर डाल देंगे, फाइनेंस कॉस्ट 6 नंबर पे आ जाएगा ना यार। ओके, फिर इधर बोला डेप्रिसिएशन, इधर डायरेक्ट देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है 2,10,000, कितना दिया डेप्रिसिएशन, इधर डेप्रिसिएशन का बना देने का, इधर किसी का भी डेप्रिसिएशन इधर आएगा ना, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट दिया 2,10,000, सात नंबर है, इधर आ गया 2,10,000, ये डेप्रिसिएशन उठा के यहाँ डाल दिया। इस तरह एक एक का नोट्स बनता है राइट। अभी अदर एक्सपेंस, मान लो जो एक्सपेंस नहीं समझा, जो कुछ नहीं समझा उठा के इधर डाल दो यार, मतलब इधर लिख दो, कुछ तो मार्क्स मिलेगा, खाली मत छोड़ो ना यार। तो इधर क्या दिया है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया, क्या दिया है, अदर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस का खर्चा, कौन सा खर्चा, ऑफिस का, कितना दिया है 3,60,000, और एक ऊपर दिया देखो डिस्काउंट अलाउ, क्या दिया है, हमने डिस्काउंट दिया कस्टमर को है ना, और क्या क्या आ सकता है मालूम है क्या, बैड डेट्स आएगा, क्या आएगा, ये जो भी ऑफिस रिलेटेड खर्चा रहेगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्लांट एंड मशीनरी एडवर्टाइजमेंट, ये सब किधर आ जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा, कितना दिया डिस्काउंट अलाउ 5,000, इधर लिख देंगे 5,000, क्या लिख देंगे इधर 5,000, तो इसको ऐड कर देंगे, और कुछ आइटम नहीं दिया राइट, तो ये 3,65,000 हो रहा है, कितना हो रहा है 3,65,000, तो 3,65,000 किधर लिख देंगे, अदर एक्सपेंस, किधर लिख देंगे, अदर एक्सपेंस, इधर लिख देंगे 3,65,000। ओके, तो अभी हमने क्या किया मालूम है क्या, ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पूरा मटेरियल का खर्चा है ना, ये फैमिली डाल देने का है। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, एम्प्लॉय में सैलरी वेजेस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस, तो ये सबको ऐड करेंगे ना आप लोग, तो आपको मिलेगा 14,05,000। तो ये क्या हो गया आपका मालूम है, इनकम हो गया, रेवेन्यू ये खर्चा हो गया, तो इनकम से खर्चा माइनस करेंगे, तो मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, तुम लोग नहीं बनाना बेटी जैसे बना देगी, तो इसको उसको माइनस करेंगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या मिलेगा 50,00,000 में से 14,00,000 गया तो 36,05,000 आंसर है। ये क्या हो गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें तो टैक्स माइनस करेंगे, देखो लास्ट में दिया टैक्स कितना दिया, टैक्स 6,05,000, कितना दिया, इधर माइनस करेंगे 6,05,000, तो टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा रहेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्या बचेगा 30,00,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था। देखो 10 मिनट में भी हो गया है तुम्हारे लिए, ट्राई किया राइट, तो ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपको क्या करना है, कैसा मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इधर लिखा रहेगा ना, और सेल से भी पहचान नहीं है, स्टेटमेंट बना देने का है और इसका वर्किंग नोट इधर ओपन करने का है और जहाँ जहाँ आएगा सॉल्व कर देने का। तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ 5 मिनट में कि किसमें क्या क्या आता है, एक बार वो वाला भी वीडियो देखेंगे तो पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा ना तुम्हारा, और एग्जाम में आएगा तो फॉर्मेट भी बनाया तो मार्क्स मिल जाएगा ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।